दोस्तों ये देखिए, मैं पहुंच गया नीलोदा का कारखाना। और ये देखिए ये कारखाना, तो वो लोग लेके आ रहे हैं 3। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, डायरेक्ट आ गया मैं, ऑकलैंड में रुका हूँ आके, जस्ट अभी अभी पहुंचा ही हूँ। आज का मौसम भी बरस हुआ है दोस्तों, क्योंकि न बारिश है न धूप है, और ठंड भी ऐसा लग रहा है कि क्या बोलूँ आपको, कुछ ज़्यादा ठंड लग रहा है। देखिए ग्लास भी लगाया हुआ है गाड़ी का, और इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है आज की क्या बोलूँ, क्योंकि धूप का कोई नामो निशान भी नहीं है, वही बात है दोस्तों। अच्छा, तो इंतज़ार का घड़ी शुरू, वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं कब तक कोई काम मिलने का कॉल आता है, वही अभी वेट करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं कब तक मिलता है कोई काम, मिल जाए दोस्तों आने का साथ साथ। 5 hours later। तो दोस्तों दिन भर बैठने के बाद में अभी एक कॉल आया है, टाइम हो रहा है 3 पूरा पूरी। जस्ट अभी अभी सुमंता ने कॉल किया है एमबी फर्नीचर से, मुझे जाना नीलूदा का कारखाना में, उधर से कुछ सामान है वार्ड्रॉप वुडन का, तो वही लेके आना है उनका दुकान में शायद। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अभी डायरेक्ट नीलूदा का कारखाना में। नीलूदा का कारखाना है पंथौर में, तो चलिए अभी चलते हैं डायरेक्ट पंथौर जाके दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं बस पोलो पहुँचने वाला था, देखिए कैसा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, देखिए डबल डबल लाइन चल रहा है, देखिए। तो अभी मुझे भी मालूम नहीं है कितना टाइम लगेगा मुझे पहुँचने में, क्योंकि गाड़ी हिलने का नाम भी नहीं ले रहा दोस्तों। ये देखिए रुका हुआ है, सभी गाड़ी हिलता भी नहीं है कोई, तो अभी वही टाइम लग जाएगा थोड़ा मुझे पहुँचने में। अभी तक हिला नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा हिलता है, आगे जाता है फिर रुक जाता है गाड़ी, तो टायर पूरा घूमने भी नहीं सकता, फिर से रुक जाता है गाड़ी। तो वही बात है दोस्तों, अभी कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि तो पोलो में कुछ ज़्यादा ही ब्लॉक लगा हुआ है। तो चलते हैं धीरे धीरे दोस्तों, और उपाय भी नहीं, क्योंकि मैं घुस चुका हूँ, अभी बैक करके जा भी नहीं सकता, क्योंकि ये वन वे है। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे, फिर से रुकिए, देखिए दोस्तों बहुत ही मुश्किल मुशक्कत का बाद में निकल गया फाइनली वो जगह से। कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम लगा हुआ था दोस्तों, बहुत टाइम लग गया, आधा घंटा का ऊपर लग गया वहाँ से खाली निकलते निकलते। चलिए दोस्तों अभी चलते हैं डायरेक्ट, अभी यहाँ पे तो इतना ट्रैफिक जाम नहीं है, थोड़ा थोड़ी है उसका रिजल्ट तो नहीं है, क्योंकि स्कूल छुट्टी होने के बाद का है ये जो ब्लॉक है, स्कूल छुट्टी होने के बाद जो ब्लॉक होता है वही है। चलिए चलते हैं अभी डायरेक्ट कारखाना में दोस्तों। दोस्तों ये देखिए, मैं पहुँच गया नीलूदा का कारखाना, ये सब सामान जो वार्ड्रॉप देख रहे हैं आप, सब बनाया हुआ है वहाँ पे, बनाते हैं वहाँ पे भी, और है आप देख ही चुके हैं, अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे तो ज़रूर आपको मालूम ही होगा। तो ये है जितना भी सामान यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे मतलब बना के रखने के लिए ये रूम है, यहाँ पे सब बनाया हुआ सामान, और वहाँ पे भी है जहाँ पे लोग बनाते हैं, फटाफट डाल देते हैं दोस्तों, लेके जाना है 3 पीस डाल के, दिखाता हूँ मैं आपको कौन कौन सा सामान, 3 कलर का 3 पीस जाएगा, डाल के दिखाता हूँ दोस्तों। A few moments later। तो ये देखिए दोस्तों, 3 सामान डालना हो गया कंप्लीट, ये देखिए। तो चलो दोस्तों निकलते हैं GS रोड। दोस्तों मैं पोलो पहुँचने वाला था, लेकिन सुमंदा का फिर से कॉल आ गया, उन्होंने बोला है कि जो फूट फलंग जाने का रास्ता है, चाकुलंग जाने का जो रास्ता है, उधर ही और एक कारखाना है जो टीना का अलमारी बना
बनाता है अलमीरा, तो उधर से और तीन सामान है बोला कि एक साथ डाल के लेके आने के लिए, तो अभी वही जाना पड़ेगा दोस्तों पहले। चले दोस्तों चलते हैं वहीं पे, पहले जाते वो वाला सामान भी दिखाता वो मैं आपको। उधर से भी 3.5 फुट या 6 फुट का कुछ अलमीरा है, स्टील का है लेकिन, तो वो भी 3 ढाल के मैं दिखाता हूँ। तो चले दोस्तों चलते हैं अभी उधर। यहाँ पे क्या है, अपना ब्लॉक लग गया है यहाँ पे, शायद आज कुछ था इस टाइम। दोस्तों एक ट्रैफिक जाम से निकला ही था बस, और एक ट्रैफिक जाम में फंस गया अभी। रस्सी ठीक कर लेता हूँ क्योंकि बांधना भी पड़ेगा मुझे। चलिए दोस्तों ये सामान भी उठा के मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है दोस्तों और 3 सामान, यहाँ पे 2 है और वहाँ पे 1। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी GS रोड MB के दुकान में। तो दोस्तों फाइनली GS रोड पहुंच चुका हूँ, जा रहा हूँ वहीं पे MB का गोडाउन का तरफ, जाके सामान उतर लेते हैं फटाफट। दोस्तों कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया, देखिए मैंने बोला था कि 6 बजेगा, 6 बज ही गया दोस्तों, मतलब 2 मिनट बाकी है, मतलब वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 2 मिनट 6 पूरा पूरी बज जाएगा। तो फटाफट सामान उतर के फिर ऑकलैंड जाके बैठूंगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं बैठूंगा, यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम है, शोर शराब है, अच्छा नहीं लगता। दोस्तों सामान उतरना हो गया कम्प्लीट, अभी मैं जा रहा हूँ ऑकलैंड में। सामान उतरते उतरते भी कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया दोस्तों, क्योंकि रुकने वाला जो आदमी है वो बस एक ही था, दूसरे दिन कभी 2 कभी 3 होता है, इसलिए जल्दी हो जाता है। आज एक ही था पूरा, रख के आया फिर और एक लेके गया गोडाउन में, फिर रख के आया फिर और एक लेके गया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया दोस्तों। तो अभी जा रहा हूँ डायरेक्ट, मैं भी थोड़ा थक गया था दोस्तों, क्योंकि मुझे भी पकड़ना पड़ा कि अकेला का बस का बात है नहीं, इसलिए बेचारा का हेल्प करना पड़ा, वही बात है। चलिए चलते हैं दोस्तों ऑकलैंड, ऑकलैंड जाकर देखता हूँ, देखता हूँ कोई काम और होता है कि नहीं, लगता तो नहीं कुछ काम होगा, मुश्किल है। तो दोस्तों मैं पहुँच गया ऑकलैंड, अभी यहीं पे बैठूंगा, कोई काम अगर आएगा तो जाऊंगा, अगर नहीं आएगा तो घर चला जाऊंगा। तो वेट करते दोस्तों यहाँ पे बैठ के। 2 hours later तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया घर में, कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रहा है आज दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही ठंड गिर चुका है आज शिलोंग में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।